हेलो गाइस, वेलकम टू विक्स्टार्स एकेडमी क्विक रिवीजन के 18वें लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कराऊंगा। सर, फ्लूइड मैकेनिक्स हम 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे बेटा। फ्लूइड मैकेनिक्स की जो हमारी क्विक रिवीजन सीरीज है वो हम 2 या 3 लेक्चर्स में खत्म कर लेंगे बेटा। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा काफी अच्छा टॉपिक माना जाता है। आज मैं आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स के काफी ऐसे टॉपिक से रूबरू कराऊंगा जो कि मैक्सिमम बच्चों ने नहीं देखे होंगे या नहीं जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पे। बेटा देखो, इतनी जिंदगी बेरंग है, ढक्कन गिरे जा रहा बेटा। ठीक है, एक तो पता नहीं मुझे आज हो क्या रहा, लेकिन ढक्कन गिर रहा। बताइए बेटा, जिंदगी कतई बेरंग। ठीक है भैया, तो भैया मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर आज हम लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स पे चर्चा करनी है। ठीक है जी, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है सर? फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड क्या होता है सर? फ्लूइड एक ऐसी चीज जिसके पास क्या है, एबिलिटी, एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है बेटा, एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है बेटा? फ्लूइड मैकेनिक्स हमारी एक ऐसी चीज है बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स हमारी एक ऐसी चीज है जहां पर हम लोग फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना बेटा। और यहां पर जो हमारा फ्लूइड होता है बेटा वो क्या होता है, फ्लूइड हमारा एक ऐसी चीज है जिसके पास क्या, एबिलिटी टू फ्लो है बेटा, यानी कि जो बेटा फ्लो कर सकता है, जिसमें फ्लो करने की क्षमता है। ठीक है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि सर एबिलिटी टू फ्लो क्या है बेटा, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है सर, अब यहां पर हमारी जो सबसे पहली चीज आती है सर, वो आती है प्रेशर वेरिएशन। ठीक है जी, प्रेशर वेरिएशन। मैंने कहा भाई मान लो, अगर मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इसमें हमारा बहुत सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसके अंदर हमारा बहुत सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है ना, और मैंने क्या ले लिया बेटा, मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। कितनी विड्थ का, dx विड्थ का, जिसका एरिया a है, है ना बेटा, जिसका एरिया कितना है, a है, है ना बेटा। और मैंने बोला कि लेट्स से सर इधर से प्रेशर लग रहा p1 और इधर से प्रेशर लग रहा p2। ठीक है सर, अच्छा तो बेटा मैंने एक चीज जानी, मैंने एक चीज समझी कि भैया जो हमारा p1 और p2 लग रहा है ना बेटा, तो अगर मैं स्ट्रिप को अलग कर लूं, कुछ ऐसा तोड़कर, इधर से p1 प्रेशर लग रहा, इधर से p2 प्रेशर लग रहा, और एक्सेलरेशन मान लेते हैं इस तरफ हो रहा है ना बेटा, और ये जो विड्थ था बेटा, ये कितनी विड्थ था बेटा, dx विड्थ है ना बेटा, कितनी विड्थ है, dx विड्थ है। अब भैया मान लेते हैं एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है ना बेटा, तो अगर एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, है ना बेटा, यानी कि इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा वो ज्यादा होगा। तो इस प्रेशर की वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा बेटा, p1 into a, प्रेशर इनटू एरिया का होता है बेटा, फोर्स होता है। फर्स्ट बुक में हमारा फोर्स इज इक्वल टू m into a था, सेकंड बुक में हमारा फोर्स इज इक्वल टू p into a, फर्स्ट बुक में फोर्स इज इक्वल टू मा है, सेकंड बुक में फोर्स इज इक्वल टू पा है बेटा, क्योंकि फोर्स तो दोनों ही लगाते हैं बेटा, पेलते तो दोनों ही हैं, चाहे मा हो चाहे पा हो बेटा, दोनों ही पेलते हैं। फर्स्ट बुक में फोर्स इज इक्वल टू मा, सेकंड बुक में फोर्स इज इक्वल टू पा। ठीक है बेटा, अच्छा तो P1 इनटू A क्या बेटा, इधर से लगने वाला फोर्स, P2 इनटू A क्या बेटा, इधर से लगने वाला फोर्स, तो बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या बेटा, इसका मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो देखिए P1 माइनस P2 क्या आ गया, P1 माइनस P2 इनटू A इज इक्वल टू मास की जगह पे क्या आ गया सर, मास हमारा क्या आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा सर। डेंसिटी कितनी होती है सर, डेंसिटी आप लोगों को पता है रो होती है, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इनटू लेंथ, तो A इनटू में dx इनटू में A। ठीक है सर, तो यहां से P2 माइनस P1 को हम लोग dp लिख लेते हैं, a से a को कैंसिल कर देते हैं बेटा, तो आप लोगों का जो dp बाई dx आ जाएगा ये रो इंटू a आ जाएगा, रो इंटू a आ जाएगा बेटा, फॉर अ एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, फॉर अ एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। ठीक है बेटा, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के लिए आप लोगों का क्या आ जाएगा सर, आप लोगों का dp बाई dx इज इक्वल टू रो इंटू a आ जाएगा। ठीक है सर, अगर मान लीजिए आपका x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि आप लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस जीरो है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, dp by dx is equal to zero हो जाएगा, यानी कि मेरे को पता चल जाएगा कि सर जो मेरा p है सर वो क्या है, कांस्टेंट है, वो हमारा p क्या है बेटा, मेरा कांस्टेंट है, है ना बेटा। यानी कि अगर मैं एक सिंगल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर लू, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर लू, तो मेरे कितना आएगा, पी 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 पी, सिंगल लाइन पे प्रेशर कितना आएगा सर, पी पी पी, सिंगल लाइन पे प्रेशर कितना आएगा बेटा, प्रेशर सेम आएगा, क्योंकि बेटा सिंगल लाइन पर अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है फ्लूइड, अगर आपका फ्लूइड एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो यानी कि आपका dp by dx कितना जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा फॉर अ लाइन, फॉर अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा सर, अब एक काम करते हैं, वर्टिकल वाला सीन देख लेते हैं, ऊपर नीचे वाला। मैं कहा भाई ऊपर नीचे वाला सीन देख रहे, तो एक काम कर, ये तेरा फ्लूइड है
और इसमें क्या ना पट्टी काट ले हॉरिजॉन्टल, ऐसी पट्टी काट ले ना, ठीक है भैया। ये वाली विड्थ हमारी डी वाई है, एरिया इसका ए है, ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है मान लेते हैं पी वन, नीचे से प्रेशर कितना लगा है पी टू, ठीक है बेटा। और भाई ग्रेविटी यहाँ पर एक और फोर्स लगता है नीचे की तरफ एम जी, है ना बेटा, यहाँ पर एक और फोर्स लगता है कितना एम जी। अब भाई अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, इसका एफबीडी बनाऊं तो नीचे से ऊपर एक फोर्स लग रहा है पी टू इंटू ए, ऊपर से मेरे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो एम जी और दूसरा क्या लग रहा है पी वन इंटू ए, मास इसका एम है। और मान लेता हूं एक्सेलरेशन कहां हो रहा है बेटा, एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ ए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, है ना। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मान लिया तो ऑब्वियसली बात है नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, ऊपर वाले फोर्सेस छोटे होंगे, तो नीचे वाले फोर्सेस कितने हो गए बेटा, नीचे वाले फोर्सेस हो गए पी टू ए माइनस ऊपर वाले फोर्सेस कितने बेटा पी वन ए प्लस में एम जी इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना होता है बेटा एम इंटू ए, तो मास कितना बेटा एम, एक्सेलरेशन कितना है ए, तो हमारा कितना आ गया सर पी टू ए माइनस में पी वन ए माइनस में एम जी इज इक्वल टू एम इंटू में ए। तो यहां से क्या आ जाएगा पी टू माइनस पी वन इंटू में ए इज इक्वल टू कितना आ गया एम कॉमन आ गया, यहां पर आ गया जी प्लस ए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, है ना। पी टू माइनस पी वन इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू में जी प्लस ए हो गया बेटा, है ना। तो सर भैया यहां पर एक बात है बेटा, यहां पर एक बात है, हमारा पी टू माइनस पी वन कितना आ गया बेटा इंटू में यहां पर ए है, है ना बेटा, और यहां पर कितना आ गया, यहां पर कितना आ गया एम की जगह पे मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लगा सकता हूं, वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ लग सकता है, तो एरिया इंटू लेंथ कितना है डी वाई, और यहां पर जी प्लस ए आप लोगों का एज इट इज, ए से ए कैंसिल हो गया, पी टू माइनस पी वन को वही आप लोग डीपी लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो यहां पर आप लोगों का क्या बन जाएगा सर डीपी अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू रो इंटू में जी प्लस ए, ठीक है बेटा। अगर ये फ्लूइड भी नॉन एक्सेलरेटिंग हुआ, अगर एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस जीरो हुआ, तो सर अगर मेरा एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस जीरो हुआ तो मेरा क्या बन जाएगा डीपी अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा रो इंटू में जी, रो इंटू में जी, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। ये आपकी मास्टर एक्सप्रेशन होती है बेटा, जिसको हम लोग काफी सारी जगह यूज करेंगे बेटा, काफी सारी जगह यूज करेंगे, ठीक है। ये आपकी मास्टर एक्सप्रेशन है, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब अगर बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं इसी केस को थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहूं, ठीक है बेटा, अगर मैं इसी केस को थोड़ा सा और एक्सपैंड करना चाहूं बेटा, हमारा बजट कम है बेटा, इसीलिए हम लोग कागज यूज कर रहे हैं बेटा मिटाने के लिए, हम गरीब लोग हैं बेटा बचपन से ही, ठीक है बेटा। तो आप जरा ध्यान से देखें, तो बेटा यहां पर मैंने देखा, कि हमारा जो बन रहा है यहां पर डीपी अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू रो इंटू में जी, ये हमारा किस चीज के बन रहा है, हमारा नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के लिए बन रहा है बेटा, है ना। अब भैया मैंने क्या बोला, भाई ये हमारा प्लेस है, यहां पर मैंने एक पट्टी ली थी, ठीक है बेटा। अब यहां पर प्रेशर पी वन मान लेते हैं, यहां पर प्रेशर पी टू मान लेते हैं, हाइट कितनी मान लेते हैं h मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा dp इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू में डी वाई, इंटीग्रेशन जीरो से h के लिए, इंटीग्रेशन पी वन से पी टू के लिए। तो यहां पर आपका आ जाएगा पी टू माइनस पी वन, और यहां पर आपका आ जाएगा रो इंटू जी इंटू एच, तो आपका बन गया पी टू इज इक्वल टू पी वन प्लस में रो जी एच, जी हाँ बेटा रो जी एच, है ना। यानी कि जैसे जैसे मैं फ्लूइड के नीचे जाता हूं बेटा, तो मेरा प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे मैं फ्लूइड के अंदर जाता हूं बेटा, प्रेशर मेरा इंक्रीज होता है बेटा, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूं प्रेशर मेरा डिक्रीज होता है, है ना। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसको पॉजिटिव लिखेंगे, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसको क्या लिखेंगे बेटा, नेगेटिव लिखेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, है ना। अच्छा अगर सर ये वाला पॉइंट मेरा यहां पर होता बेटा, P1 वाला पॉइंट मेरा यहां पर होता बिल्कुल सतह पे, तो सतह पे बेटा एक प्रेशर हमारा कौन लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो फॉर्मूला मेरा मॉड्यूलेट हो जाता कुछ इस तरीके से हो जाता, P2 इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस में एच इंटू रो इंटू जी, जी हाँ कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाता बेटा, ये मॉड्यूलेट हो जाता, ठीक है बेटा। अच्छा अब बेटा न्यूमेरिकल करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है बेटा, वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना सर। देख लेते हैं क्या ट्रिक है, वो जो शॉर्ट ट्रिक जो है बेटा वो क्या है, देखते हैं बेटा ध्यान से, समझते हैं बेटा ध्यान से, समझते हैं। मैंने कहा कि सर मान लीजिए आपका क्या है बेटा, आपका एक कंटेनर है। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखे भी होंगे सर, है ना, कि सर यहां पर तो आपका फ्लूइड भरा हुआ है h1 हाइट तक, है ना बेटा, और यहां पर आपका जो फ्लूइड भरा हुआ है बेटा h2 हाइट तक, ये h2 हाइट तक भरा हुआ है, ये h1 हाइट तक भरा हुआ है ना बेटा। और यहां पर मान लो ये फ्लूइड अलग अलग है बेटा, ये वाली डेंसिटी रो वन है, यहाँ की डेंसिटी रो टू है ना। तो बेटा अब अगर मान लो, ये सिर्फ मैं एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ बेटा, इलस्ट्रेशन करके बता रहा हूँ, है ना बेटा, ताकि तुम लोगों को चीजें अच्छे से समझ आए, है ना।
तो भैया मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है बेटा कि अगर मेरे को बताना है H1 और H2 के रिस्पेक्ट में रो वन और रो टू का रेशियो, ठीक है बेटा, रो वन और रो टू बताना है बेटा। फोन बच चुका है बेटा, पता नहीं कौन मुझे इतना मतलब देर सवेर याद कर रहा है, देख लेते हैं बेटा एक बार कौन मेरे को याद कर रहा है बेटा। ये बेटा एक दुखी आत्मा है बेटा जो मुझे याद कर रहा है ना, मतलब इसे काम धाम कुछ है नहीं बेटा, फोन मिला लेते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, मतलब रिश्तेदार नहीं, ये देखो बेटा फिर से फोन कर रहा है ना। तो मैं तो बेटा मैं अपने फोन को कर दूंगा साइलेंट पे, ठीक है, आई एम सॉरी मैं भी करके नहीं आया है ना। चलो बेटा इसका एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ, H1 और H2 के रिस्पेक्ट में आपको रो वन और रो टू का रिलेशन बताना है कुछ ऐसे, है ना। मैंने क्या, मैंने बोला कि सर अगर आप नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, पॉजिटिव आता है, अगर आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है, नेगेटिव आता है, और अगर आप मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रेवल करते हैं तो प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम है अगर फ्लूइड नॉन एक्सेलरेटिंग है तो, ठीक है बेटा। अगर फ्लूइड हमारा नॉन एक्सेलरेटिंग है तो भैया इस वाली एक्सिस पे हमारा प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना बेटा, इस वाली एक्सिस पे हमारा प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब ध्यान से समझ लो, इसको हम बोलते हैं बेटा डुबकी लगा मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? डुबकी लगा मेथड। अच्छा मैं कहा भाई यहां से डुबकी लगा, अच्छा सर लगाते हैं, मैं कहा सर यहां से डुबकी लगाएगा तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है सर, PATM। मैं कहा ठीक है बेटा, कहता भैया H1 हाइट नीचे जाऊंगा, कितना हाइट नीचे जाऊंगा, H1 हाइट नीचे जाऊंगा तो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, H1 इंटू में रो इंटू में जी, है ना बेटा, H ρg होता है ना प्रेशर, है ना बेटा। तो यह अगर नीचे जाएंगे H1 हाइट तो कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा ρ1 इंटू में H1 इंटू में जी ρhg, है ना बेटा, यही होता है। अब भाई सवाल ही आता है भैया इसको पॉजिटिव लिखूंगा या नेगेटिव, भाई तू नीचे जा रहा है, नीचे जाने में प्रेशर इंक्रीज होता है ना, तो प्रेशर को क्या लिखेगा बेटा तू, प्रेशर को लिखेगा पॉजिटिव, ये जो H ρg है इसको लिखेगा पॉजिटिव। मैं कहा ठीक है सर, क्या तो भैया फिर यहां से यहां पर गया, है ना बेटा, मतलब यहां से घुसना और यहां से निकल जाना है, ठीक है, तो ये यहां से यहां पर गया तो बेटा हॉरिजॉन्टल में गया, हॉरिजॉन्टल में मेरा क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल में कोई भी हमारा वो नहीं है, समझ पा रहे हो तुम लोग, कोई भी प्रेशर चेंज नहीं है, तो जितना प्रेशर यहां था उतना ही प्रेशर यहां पे, जीरो चेंज। उसके बाद ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जाने में प्रेशर घटता है, ऊपर जाने में क्या होता है, प्रेशर घटता है। अब भाई प्रेशर घट रहा है तो ध्यान से समझिएगा बेटा, प्रेशर अगर घट रहा है तो भैया मैं कितना हाइट ऊपर गया, H2 हाइट ऊपर गया रो टू डेंसिटी में, तो मेरा कितना आगे सर, माइनस रो टू इंटू H2 इंटू में जी, ठीक है बेटा। इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है, PATM, डायरेक्टली ATM से मिल रहा है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया, प्रेशर कितना है मेरा, PATM, तो PATM से PATM कट गया, तो आपका जो रो वन बाय रो टू आ जाएगा बेटा, ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, H2 by H1, लीजिए सर ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है सर, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये आपकी हाइट कितनी होती, लेट से ये हाइट होती H/2, है ना बेटा, और यहां पर मान लीजिए एक और लिक्विड भरा होता कितनी हाइट तक, H हाइट तक भरा होता कितनी, जिसकी डेंसिटी होती ρ3, तो भी मैं क्या करता यहां पर H2 की जगह क्या लगाता है, यहां पर H2 की जगह लगाता H/2, कितना लगाता बेटा, H/2 लगाता, है ना, फिर भी मैं इस पॉइंट तक ही पहुंचाऊं, है ना बेटा, इसके बाद भी मुझे H हाइट ऊपर जाना है, किसमें बेटा, ρ3 मीडियम में, है ना बेटा, तो यहां पर मेरा अभी भी क्या होता, अभी भी कहानी समाप्त नहीं हुई होती, ऊपर जा रहा हूं तो प्रेशर मेरा डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि माइनस में ρ3 इंटू में H इंटू में G इज इक्वल टू हमारा क्या आता, PATM आ जाता, और उसके बाद हम लोग क्या कर लेते, इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है बेटा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ये बात बताते, ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग इस चीज को सॉल्व कर लेते। तो कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसे डेंसिटीज वगैरह का रेशियो निकालना होता है तो कुछ नहीं है, डुबकी वाला मेथड यूज करना होता है बेटा, यहां से डुबकी लगा, यहां से बाहर निकल जा, जिंदगी रंगीन कर दे, ठीक है बेटा। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से बेटा ये पूरी की पूरी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है, डुबकी वाला मेथड आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है सर। ये जो डुबकी वाला मेथड हो गया फॉर अ नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, ठीक है बेटा, फॉर अ नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, ठीक है बेटा। अगर हम लोग बात करें यहां पर एक्सेलरेटिंग फ्लूइड की तो क्या होगा, समझते हैं बेटा बात को, ठीक है बेटा। ये तो हमारी बातचीत किस किस की है बेटा, ये तो हमारी बातचीत है नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड की, ठीक है। लेकिन अगर मेरा फ्लूइड क्या करने लग गया सर, मेरा फ्लूइड एक्सेलरेट करने लग गया, अगर मेरा फ्लूइड कैसा हो गया, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, समझते हैं बात को। सर अगर मेरा एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है, है ना बेटा, तो एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के केस में क्या होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के केस में आप लोगों का बन जाएगा, ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है,
इसके अंदर हमारा है ना फ्लूइड एकत्रित हो रखा है बेटा, फ्लूइड एकत्रित है ठीक है बेटा, और इस तरफ क्या हो रहा है बेटा, इस तरफ फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है ना बेटा, इस तरफ फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है ना बेटा। तो अब लो अब होता क्या है बेटा, होता क्या है कि एक्सेलरेट करने की वजह से, एक्सेलरेट करने की वजह से जो हमारा फ्लूइड है कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाता है, जो फ्लूइड है बेटा कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाता है ठीक है ना। अब भाई किस एंगल पे टिल्ट होता है बेटा, ये तो थीटा एंगल है बेटा, ये थीटा एंगल हम लोग कैसे देते हैं, थीटा एंगल देते हैं बेटा टेन इनवर्स ए बाय जी, कैसे देते हैं बेटा टेन इनवर्स ए बाय जी है ना बेटा, टेन इनवर्स ए बाय जी से हम लोग ये एंगल देते हैं बेटा जिसपे टिल्ट हो रहा है ना। अगर आपको देखो समझना है तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, है ना, कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि सर आप लोगों को पता है कि सर आपका जो डी डी पी अपॉन में डी एक्स होता है वो कितना होता है सर, रो इंटू में ए, अगर एक्सेलरेटिंग फ्लूइड एक्स एक्सिस में तो रो इंटू ए हो जाएगा, वाई एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इसका मतलब जो हमारा डी पी अपॉन में डी वाई रहेगा वो आपका क्या रहेगा, रो इंटू जी है ना। दोनों का एक काम करिए डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर आपका ए बाय जी आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स ठीक है बेटा। डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है आपका स्लोप होता है बेटा, है ना, स्लोप किसके बराबर होता है बेटा टैन थीटा के बराबर होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया टैन इनवर्स ए बाय जी आप लोगों का आ गया है ना। और यहां पर जो इक्वी प्रेशर लाइंस होती है, इक्वी प्रेशर लाइंस जैसे कि जहां पर प्रेशर बराबर होता है, जैसे कि अगर ये फ्लूइड एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता तो इस लाइन पे प्रेशर बराबर होता, इस लाइन पे प्रेशर बराबर होता, इस लाइन पे प्रेशर बराबर होता, लेकिन अगर ये फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो हमारा जो प्रेशर बराबर होगा वो इस लाइन पर होगा, इस लाइन पे प्रेशर बराबर होगा, इस लाइन पे प्रेशर बराबर होगा, समझ में आ रहा है ना बेटा, इस इन लाइंस पे प्रेशर बराबर होगा ठीक है बेटा। चलिए तो मेरे को ये वाली बात भी समझ में आई, ये वाली बात भी समझ में, बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर है ना, कि थीटा हमारा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाय जी हो जाएगा ठीक है सर, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं एकदम बढ़िया तरीके से यहां तक बात समझ में आ रही है। मैंने कहा सर थोड़ा सा और अगर आगे चलूं, थोड़ा सा और अगर आगे चलूं, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसी में मैं देख सकता हूं, इसी में मैं देख सकता हूं, एक एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो है ना, कि अगर मान लीजिए आपकी फ्लूइड है ना, ये इक्वल हाइट तक फील्ड थे है ना, इक्वल हाइट तक फील्ड थे इनिशियली, ये भी एच हाइट पे था, ये भी कितना था बेटा एच हाइट पे था है ना। अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सेलरेट करा दिया ए ए से ठीक है ना। ये आपको क्या बताएगा बेटा, ये आपको बताएगा कि आपको एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर आपको वो जो डुबकी लगाने वाला मेथड है वो किस तरीके से अप्लाई करना है, ये क्वेश्चन सिखाएगा बेटा आपको ठीक है बेटा। अब अगर मैंने इसको एक्सेलरेट करा दिया है ना, तो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हुआ बेटा, ध्यान से देख लेते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन मैंने देखा कि जो हाइट्स है बेटा ये अलग अलग हो गई, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन मैंने देखा ये जो हाइट्स है बेटा ये क्या हो गई अलग अलग हो गई। तो ध्यान से समझते हैं बेटा कैसे अलग अलग हो गई, मैंने कहा भाई यहां पर तो हाइट यहां तक चली गई ठीक है, और यहां पर जो हाइट थी ना ये यहां तक आ गई, ये यहां पर आ गई ठीक है ना, यानी कि यहां से हाइट h2 हो गई और यहां से हाइट h1 हो गई। तो अब आपको जैसे मान लीजिए h1 माइनस h2 की वैल्यू बतानी है, एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ l दी हुई है ठीक है बेटा। तो जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर वो जो डुबकी लगाने वाला मेथड है वो कैसे लगाते हैं, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर आपका एक ब्लॉक है, इधर से प्रेशर लग रहा है P1, इधर से प्रेशर लग रहा है P2 है ना, और एक्सेलरेशन जो मेरा बन रहा है, एक्सेलरेशन बन रहा है मेरा इस तरफ ठीक है, तो एक सिंपल सी बात बताना, प्रेशर P1 बढ़ा होगा या P2 बढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है भैया, इस तरफ प्रेशर P1 लग रहा है और एक्सेलरेशन भी आपका इसी तरफ है, तो डेफिनेटली आपका P1 वाला प्रेशर ज्यादा होगा है ना भैया, तो P1 वाला प्रेशर ज्यादा है ना बेटा। तो P1 वाला प्रेशर अगर ज्यादा है तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाता हूं तो मेरा जो डेल्टा P आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मैं अगर मैं अलोंग द एक्सेलरेशन जा रहा हूं तो फाइनल पॉइंट मेरा ये हो गया, ये वाला प्रेशर कम होगा है ना। तो यानी कि बेटा P2 माइनस P1 की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, फाइनल पॉइंट है ना, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कम है तो ये कैसा आएगा बेटा नेगेटिव। तो जब भी आप एक्सेलरेशन के अलोंग जाते हैं तो प्रेशर घटता है ना, प्रेशर को नेगेटिव लेना है, और अगर आप अपोजिट टू एक्सेलरेशन आते हैं बेटा तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट ये वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2, तो आपका आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि P1 हमारा ज्यादा है, सिंपल। तो ध्यान से देखते हैं बेटा, यहां से वो डुबकी लगाते हैं, तो यहां से डुबकी लगाई, यहां पे प्रेशर कितना था PATM ठीक है सर, नीचे गए H1 हाइट, डेंसिटी इसकी रो ले लो, तो प्लस में रो इंटू जी इंटू H1 है ना बेटा, पॉजिटिव लिया क्यों, क्योंकि बेटा नीचे जाते तो प्रेशर बढ़ता है। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर बराबर तो होगा नहीं क्योंकि ये फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है ना बेटा। अगर मैं यहां से यहां पर आता हूं, यानी कि मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अलोंग आ रहा हूं, तो
एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या अलोंग आ रहा हो तो भैया प्रेशर नेगेटिव होगा। कितना प्रेशर घटेगा तुम लोगों को पता है, डीपी अपॉन में डीएक्स कितना होता है, रो इंटू में ए, है ना बेटा। इसको अधर ले जाओगे तो आपका डीएक्स यहां पर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जीरो से लेके पी, तो आपका जो यहां पर डेल्टा पी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रो इंटू ए इंटू जीरो से लेके एल तक एल, रो इंटू ए इंटू एल आ गया। क्या आ गया सर, रो इंटू ए इंटू एल आ गया बेटा, है ना। तो माइनस में रो इंटू में ए इंटू में एल, ठीक है बेटा। और इसके बाद आप ऊपर चढ़ गए एच टू हाइट, तो माइनस में रो इंटू में जी इंटू H2, अब फिर से मुझे एटमॉस्फेयर मिल गया, है ना। इसका मतलब PATM है यहाँ पर प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, PATM है, तो इससे काट दीजिए, है ना बेटा। तो आपका जो H1 माइनस H2 का वैल्यू आ जाएगा ना, ये आपका आ जाएगा रो ए एल अपॉन में जी, ठीक है बेटा। रो आएगा नहीं, रो कट जाएगा, ठीक है बेटा। ए एल इंटू में जी, ये आ जाएगा बेटा, ए एल बाय जी, ये आपका आ जाएगा बेटा आंसर, H1 बाय H2, भूल चूक माफ, आंसर कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है बेटा, भूल चुक माफ है, ठीक है बेटा। तो यहां तक की बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझना है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किस तरीके से हम लोग ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं बेटा, हम लोग ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं, ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, समझ में आया सर, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया सर। एक्सेलरेशन तो ये तो लीनियर एक्सेलरेशन है ना। अगर यही चीज क्या कर रही हो, यही चीज हमारी रोटेट कर रही हो, यही चीज हमारी क्या कर रही हो सर, रोटेट कर रही हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे, तो देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं। अगर यही चीज आपकी रोटेट कर रही हो तो कैसे होगा, है ना भाई। मैं वो बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक भी कॉन्सेप्ट ना छोड़ूं और हर एक कॉन्सेप्ट आपका इस क्विक रिविजन में इंक्लूड करूं। तो बेटा ये मेहनत से होता है बेटा, बहुत मेहनत लगती है इस काम को करने में, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेटा वीडियोस को लाइक करें, इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए, है ना बेटा। और ब्लाइंडली आप इन प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं अगर आप अपने क्विक रिवीजन के नोट्स बनाना चाहते हैं तो, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने कहा कि सर एक्सेलरेटिंग तो कैसे हो सकता है, रोटेटिंग भी हो सकता है, मगर सर अगर मान लीजिए रोटेट हो रही है बेटा, एल लेंथ है, यहां पर प्रेशर जीरो है, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर पी है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, प्रेशर बताना है पी, डेंसिटी इसकी रो है, ठीक है बेटा। इसको मैंने ओमेगा रफ्तार से घुमा दिया, मैंने कहा देखिए यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक बात देख, मैंने कहा भाई यहां से लेके एक्स डिस्टेंस दूर ना एक डीएक्स एलिमेंट कंसिडर कर ले, कहता भाई ठीक है। मैंने कहा यार तुझे एक चीज बताइए डीपी अपॉन में डीएक्स, क्योंकि एक्स एक्सेस की बात है ना, तो डीपी अपॉन डीएक्स क्या लगेगा, रो इंटू में ये, है ना। और अगर ये रोटेशनल है तो एक्सेलरेशन की जगह आप सबको पता है ओमेगा स्क्वायर एक्स लग सकता है ना बेटा। तो यहां पर आप क्या करिए, डीपी इज इक्वल टू रो, एक्सेलरेशन की जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स, ठीक है बेटा। इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात आप लोगों को नहीं होगी बेटा, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर, जीरो से लेकर एल तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो एल स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा बेटा, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लेंथ कितना दूर होता बेटा, अगर ये लेंथ दूर होता एल डिस्टेंस दूर, एल लेंथ दूर होता कितना, एल लेंथ, ठीक है बेटा। तो यहां पर लिमिट चेंज कर देते, यहां पर जो लिमिट है ना, यहां तक तो सेम आता, डीपी का इंटीग्रेशन रो ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन यहां पर लिमिट चेंज हो जाती, कहां से, एल से लेके टू एल तक, एल से लेके टू एल तक, और ये कितना आता, ये आता बेटा 3/2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगर ये 2L डिस्टेंस दूर होती रोड, तो आपका कितना आता, 5/2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से आता, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को ये एक्सेलरेशन, रोटेशन एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया कि अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट में है तो कैसे करना है, अगर हमारा फ्लूइड लीनियर एक्सेलरेशन में तो कैसे करना है, अगर हमारा फ्लूइड कैसा है बेटा, रोटेशनल एक्सेलरेशन में तो कैसे करना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए सर थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। अच्छा सर ये वाली चीज तो हमें समझ में आ गई, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स हम लोगों को क्लियर हो गए एकदम बढ़िया तरीके से, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात हम लोगों को नहीं हुई, है ना। अच्छा तो सर अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोगों का आता है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर, ठीक है बेटा। ये करेंगे और आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैनोमीटर और बैरोमीटर के बारे में देखेंगे, ठीक है बेटा, और थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह भी जो भी है देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो देखते हैं बेटा ध्यान से, देखते हैं ध्यान से, ठीक है भाई। एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर देखते हैं बेटा, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है बेटा किसी भी पॉइंट पर बेटा आप लोगों का नेट प्रेशर जो कहलाता है
उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। यानी कि किसी पॉइंट पर जो नेट प्रेशर आपका कहलाएगा दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों को क्या निकालना है, अगर आप लोगों को निकालना है गॉज प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है बेटा? गॉज प्रेशर निकालना है। तो गॉज प्रेशर आपका क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर जो आपका नेट प्रेशर आ रहा है ना, उसमें से माइनस कर दीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, आपका क्या बन जाएगा? गॉज प्रेशर बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा बेटा? गॉज प्रेशर बन जाएगा, ठीक है बेटा। गॉज प्रेशर को नापने के लिए हमारा एक बहुत प्यारा डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं मैनोमीटर, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं? मैनोमीटर, ठीक है बेटा। मैनोमीटर बेसिकली यूज होता है गॉज प्रेशर ऑफ गैसेस फाइंड करने के लिए, ठीक है बेटा। गॉज प्रेशर ऑफ गैसेस फाइंड करने के लिए यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना होता है बेटा, है ना। यहां पर हमारा एक फ्लूइड फील्ड होता है ना बेटा, यहां पर हमारा एक फ्लूइड फील्ड होता है ना, जिसकी हाइट में ऑब्वियसली डिफरेंसेस होते हैं। ये हमारा H2 है, ये वाली हाइट मेरी H1 है, इसकी डेंसिटी हमें पता होती है रो। यहाँ पर हमारी वो गैस फील्ड होती है बेटा, ये हमारा P गैस, ये वो गैस है बेटा जिसका गॉज प्रेशर निकालना है। तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, देखो डुबकी लगा दो तो भैया इस वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा? P गैस होगा, क्योंकि गैस प्रेशर लगा रही है यहाँ पे, कितना हो जाएगा? P गैस, है ना। अब यहां से नीचे गया, एक्सेलरेटिंग फ्रेम नहीं है, नीचे गया तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा बेटा? रो इंटू में एच वन इंटू जी, है ना बेटा। फिर यहां से यहां गया, है ना बेटा, यहां से यहां जाने पे क्या हुआ बेटा? यहां से यहां जाने पे कुछ भी नहीं मिला मेरे को, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम नहीं है, जीरो। फिर ऊपर गया तो प्रेशर घटा, कितना? माइनस का रो इंटू में एच टू इंटू में जी। और इस वाले पॉइंट में मेरे को क्या मिल गया बेटा? एटमोस्फेयर है, तो इज इक्वल टू पी ए टी एम, है ना। गॉज प्रेशर क्या होता है? पी नेट माइनस पी ए टी एम। तो इस गैस का गॉज प्रेशर कितना होगा? P गैस माइनस पी ए टी एम। तो इसको उधर ले आओ और इस पूरे को उधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा? P गैस माइनस में पी ए टी एम इज इक्वल टू रो इंटू में जी एच वन माइनस एच टू। जी हाँ, है ना, क्या हो जाएगा? एच टू माइनस एच वन हो जाएगा, एच टू माइनस एच वन, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये वाली जो क्वांटिटी है, दिस इज द गॉज प्रेशर ऑफ गैस, निकल कर आ गया, ये आपके मैनोमीटर है। मैनोमीटर कुछ इस तरीके से काम करता है ना बेटा। नेक्स्ट क्लास में बस हमारा बचा इसका मतलब बैरोमीटर, ठीक है बेटा। तो बैरोमीटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। आज की जो क्विक रिवीजन है बेटा, आज हम लोगों ने काफी अच्छी अच्छी चीजें देख ली बेटा। बैरोमीटर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।